السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अभी जिस बाग से और जो मस्जिद देख के हम वापस आ रहे हैं, ये जगह उसके करीब है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं। और ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा उनकी रहाइश इसको कहा जाता है, और इसको पुरानी हालत पे ही छोड़ा गया है। मालूम नहीं कि आखिरी मरतबा कब ये इसको तामीर किया गया, लेकिन अभी फ़िलहाल अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कौन है, हमें से कौन लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? और अगर हम में से जो भी मुझे सुन रहा है, अगर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को नहीं जानते, और इसके अलावा किसी भी जो हमारी फेवरेट शख्सियात हैं उनको जानते हैं, वो क्रिकेटर्स हों, वो एक्टर्स हों, कोई भी हों, तो वल्लाह यकीन कर लीजिए कि ये बड़ी ज़्यादती और बेवफाई की बात है कि हम लोगों को तो जाने, ऐसे लोगों को जो जिनको अगर हम ना भी जाने तो हमारी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद उनको जानने की वजह से हमारा वक्त भी ज़ाया होता हो, ईमान पर भी फ़र्क आता हो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिन लोगों को जानने की वजह से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम ने ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम उनको नहीं जानते, हमारे बच्चे उनको नहीं जानते, हमारे घर में उनकी स्टोरीज नहीं पढ़ी जाती। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत ज़्यादती की बातें, लेकिन ये इनका इदराक तब होगा जब एहसास होगा। ये देखिए, ये मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास है, ये जो सामने जो पुरानी मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास है, ये कहते हैं तकबर मिन फिना मकशूफ मुस्तदील अशक्ल, इसकी वो हैत बता रहे हैं कि किस तरह ये बनाई गई और किस चीज़ से। यहीं के जो पत्थर थे, ये वाले पत्थर, इनकी मदद से ही ये मस्जिद बनाई गई। और कहते हैं कि ये 592 हिजरी में बनी, अभी 1444 हिजरी है, यानी करीब कोई 900 साल पहले, 800 तकरीबन, इसके करीब करीब ये वो जगह, ये वो जगह। और ये वो घर है जो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के घर के तौर पे पहचाना जाता है, कि यहाँ आपकी रहाइश थी। आप सल्लल्लाहु आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी कि इनको कुरान की तफसीर सिखा दें, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र थी 12 या 13 साल। तो फिर उसके बाद ये 12 और 13 साल का एक बच्चा या नौजवान वो इस उम्मत के उन नुमाया लोगों में से हुआ कि जिस के ज़रिए से अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज और पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो ये उनकी रहाइश थी यहाँ पे। शायद वो यहाँ पे इसलिए शिफ्ट हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कॉज के लिए यहाँ पर मार खाई, खून बहाया गया, आपका आपका दिल टूटा और ये सब चीज़ें हुई, तो उस पैगाम की आबियारी की जाए इसी इलाके में। तो फिर तब से लेकर अब तक अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये उनकी पुरानी मस्जिद और रिहाइश है, जो नई मस्जिद बनाई गई जहाँ पे उनकी कब्र है, उस इलाके में इंशाल्लाह अभी इसके बाद हम जाएंगे, तो वहाँ पे जो इस इल्म की जो मीरास बांटी जा रही है और इस इल्म की जैसी खिदमत की जा रही है, उसका वहाँ पर इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। ये 4 साल पहले तकरीबन यहाँ का मैंने विज़िट किया था, तो तब इसकी हालत इतनी खस्ता नहीं थी। ये ऊपर मस्जिद है और ये रिहाइश है, काफ़ी पुरानी है ये। तो कुछ सुभानअल्लाह, ये देखिए, बिल्कुल पुरानी तरह का, सुभानअल्लाह। ये वहाँ पे आगे वाशरूम है या गुसलखाना, ये सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जा रही हैं, इंतहा खस्ता है, वरना हम ऊपर जाते हैं। ये भी सामने वाशरूम है, ये खस्ता हालत है सब।
ये दरवाजा बाहर का और ये बाहर रोड है, यानी पर्दे के एतबार से भी देखा जाए तो ये पर्दे के एतबार से भी बहुत मुकम्मल घर है। दरवाजा खुल भी जाए तो बेपर्दगी नहीं होती। ये छत है, छत की तरफ भी थोड़ा सा जाके हम देखते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा को उमर रदी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे तो उनको बहुत करीब रखते थे, तो कई लोग इस पर एतराज भी करते थे। तो फिर उमर रदी अल्लाह अन्हु ये वाजे करते थे कि ये नौजवान इल्म में बहुत मजबूत है, इसकी वजह से इनको करीब रखा जाता है। चूँकि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जनाब सैयदना उमर रदी अल्लाह अन्हु के बड़े करीब लोगों में से थे, तो उनके वालिद मोहतरम जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह अन्हु उन्होंने एक वसीयत की थी इनको, अब्दुल्लाह बिन अब्बास यानी अपने बेटे को। ये हर बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये वसीयत करें अपने दोस्तों के बारे में। तीन चीज़ें उन्होंने कही थी, अल्लाह करे कि मुझे तीनों ही याद हों। एक उन्होंने कहा था अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कि उमर के पास जो आना जाना तुम्हारा होता है, एक बात तो ये कि उनके सामने किसी की गीबत ना करना, उनके सामने किसी की गीबत ना करना, अल्लाह अकबर। और दूसरी बात ये कही इन्होंने वसीयत और नसीहत ये की कि कभी भी अमानत में खयानत ना करना या झूठ ना बोलना, ये की। और तीसरी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। तो ये वसीयत की थी अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को, किसी की हिब्बत ना करना, अमानत में ख्याल ना करना, और तीसरी शायद ये थी कि किसी का राज इफ्शा ना करना, अगर किसी का राज तुम्हारे पास हो तो उसको डिस्क्लोज ना करना। ये अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु को उनके वालिद ने नसीहत की थी, तो हमें भी यही नसीहतें करनी चाहिए। ये मस्जिद है पुरानी जो मस्जिद में, ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब पुरानी मस्जिद है। ये ताइफ की आबादी है सारी। सुभान अल्लाह, ये देखिए मस्जिद। ये जो तारीखी आसार हैं, जब भी आप देखें ख़ासतौर पर वो तारीखी आसार जो उन मुकद्दस शख्सियात से मुतालिक हैं जो इस्लाम में एक मुकाम रखती हैं, तो हमें इन आसार तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों को देखकर उन शख्सियात तक पहुंचना चाहिए और उन तक पहुंचकर उनके ज़रिए से फिर आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात फिदा हुआ अभी व नफसी व उम्मी व माली व अहली उन तक जाना चाहिए, और वहाँ से फिर अल्लाह तबारक तआला की तरफ, यानी सब चीज़ें ये मुंसलिक होनी चाहिए आपस में। तो सिर्फ तारीखी मुकामात देख लेना और खुशी का इजहार करना और लोगों को बताना खुशी के साथ कि मैंने वो जगह भी देखी है, मैंने वो भी देखी है, ये वो लोग करते हैं जो दिल की बसीरत से महरूम होते हैं, यानी यहाँ तक महदूद वो लोग रहते हैं जो दिल की बसीरत तक महरूम होते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अंबिया में, सूरह हज में आयत नंबर 46 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के बाद, अफलम यसीरु फिल अर्ध फतकून लहुम कुलूबुन याकिलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फइन्नहा ला तअमल अबसार वलकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर। कि वो ज़मीन में क्यों नहीं चले फिरे, ज़मीन में उन्होंने सैर क्यों नहीं की, ऐसी सैर, ऐसी सियाहत, ऐसा टूरिज्म कि उनको ऐसी आंखें नसीब होती, ऐसे दिल उनको नसीब होते जो समझते, यानी जो इबरत हासिल करते, जो लेसन्स इन चीज़ों को देखकर सबक हासिल करते, इबरत हासिल करते, कुछ सीखते।
अवादन यस्माउन बिहा, और या फिर उनको ऐसे कान नसीब होते हैं कि जो वाकई ही सुनते वो बातें जो उनको इबरत देने वाली होती हैं या जो उनको अल्लाह के करीब कर देने वाली होती हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक हकीकत का जिक्र किया, ये वो हकीकत है जिस से अपने आप को निजात दिलाने के लिए मैं अपनी हर पोस्ट में ये बात करता हूँ कि सबक सीखिए, कुछ सीखिए और अपने आप को इल्म से जोड़िए। अल्लाह ताला ने ये फरमाया ये बातें करने के बाद, फ़ाइन्ना हला तअमल अबसार वलकिन तअमल कुलूब अल्लती फ़िस सुदूर, के यकीनन आंखें अंधी नहीं होती बल्कि हकीकी अंधापन वो है जिसका दिल अंधा हो। मतलब क्या कि जिसने आंखों से इन सब चीज़ों को देखा और उसके दिल पर कोई असर ना हुआ, दिल से उसने कोई चीज़ सीखने की कोशिश ना की, तो ये बंदा हकीकत में अंधा है। अल्लाह की नज़र में ये शख्स हकीकी अंधा है। और जिस शख्स की आंखें ना हो, आंखों में बसारत ना हो, बीनाई ना हो, लेकिन वो इन चीज़ों को सुनकर इनसे सीखे, तो वो शख्स अल्लाह के नज़दीक बीना है, वो शख्स अल्लाह के नज़दीक देखने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि हम अल्लाह के नज़दीक अंधे लोगों में शामिल हैं या के देखने वालों में। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम।